जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ ज्ञान साहित्य संगीत कला की देवी सरस्वती का इस तरह करें पूजन। माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उससे सात शब्द फूट पड़ा। यह शब्द संगीत के सात सुरों में प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मूक सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन शब्दों की शक्ति मनुष्य की झोली में आई थी। इस दिन बच्चों को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। इस दिन पितृ तर्पण किया जाता है और कामदेव की पूजा भी की जाती है। इस दिन पहनावा भी परंपरागत होता है। मसलन पुरुष कुर्ता पजामा पहनते हैं तो महिलाएं पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इस दिन गायन वादन के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सरस्वती को समस्त ज्ञान साहित्य संगीत कला की देवी माना जाता है। शिक्षण संस्थाओं में बसंत पंचमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। यह शिक्षा ही तो मनुष्य को पशुओं से अलग बनाती है। मानता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना की। मनुष्य की रचना के बाद उन्होंने अनुभव किया कि केवल इससे ही सृष्टि की गति नहीं दी जा सकती है। विष्णु से अनुमति लेकर उन्होंने एक चतुर्भुजी स्त्री की रचना की, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। शब्द के माधुर और रस से युक्त होने के कारण इनका नाम सरस्वती पड़ा। सरस्वती ने जब अपनी वीणा को झंझगृत किया तो समस्त सृष्टि में नाद की पहली अनुगुंज हुई। चूंकि सरस्वती का अवतरण माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था, इसीलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यह भी मानता है कि भगवान विष्णु के कथन के अनुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का आह्वान किया। सरस्वती माता के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उससे सात शब्द फूट पड़ा। यह शब्द संगीत के सात सुरों में प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मूक सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं को, सागर को, पशु पक्षियों और अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कलकल की ध्वनि फूटने लगी। इसे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए बागेश्वरी नाम दिया। माँ सरस्वती के पूजन की विधि। ज्ञान और वाणी के बिना संसार की कल्पना करना भी असंभव है। माता सरस्वती इनकी देवी हैं, अतः मनुष्य ही नहीं देवता और असुर भी माता की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। सरस्वती पूजा के दिन लोग अपने अपने घरों में माता की प्रतिमा की पूजा करते हैं। पूजा समितियों द्वारा भी सरस्वती पूजा के अवसर पर पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर, अन्न, श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती है, इसीलिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बुदिया अर्पित करनी चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए और खीर का भी भोग लगाया जाता है। सरस्वती पूजन के लिए हवन। सरस्वती पूजा करने बाद सरस्वती माता के नाम से हवन करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड अथवा भूमि पर सवा हाथ चारों तरफ नाप कर एक निशान बना लेना चाहिए। अब इस भूमि को कुशा से साफ करके गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और यहाँ पर हवन करें। हवन करते समय गणेश जी नवग्रह के नाम से हवन करें। इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सरस्वते नमः
स्वाहा इस मंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए। हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें और हवन का भभूत लगाएं। सरस्वती विसर्जन माघ शुक्ल पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा के बाद षष्ठी तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।